हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है रीना का। कहती हैं, लव गुरु जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए। शादी के इतने साल बाद भी बच्चे नहीं हो रहे। इसकी वजह मेरे ससुराल वाले मुझे बताते हैं। मेरे पति मुझे प्यार नहीं करता। उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ससुराल में वो लोग मुझे रखना नहीं चाहते और मायके में मैं उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस भी साथ नहीं देती। ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे साथ बहुत हिंसा करते हैं। रीना, अगर बच्चे नहीं हो रहे तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोनों लोगों को अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद जिसमें भी कमी है उसका इलाज होना चाहिए। ऐसे केसों में समाज, परिवार सिर्फ महिलाओं को दोषी मानता है। अगर जांच पति नहीं कराता और आपको ही दोषी ठहराता है और दूसरी शादी करना चाहता है तो कानून का सहारा लो। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर फ़ोन करो। इसके अलावा महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं से मदद ले सकती हो। हिंसा मत सहो, आत्मनिर्भर बनो, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। आज का दूसरा सवाल है देवेंद्र का। कहते हैं, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की इनके पास के मकान में किराए से रहती थी। शादी नहीं हुई थी। लॉकडाउन में वो अपने घर गई। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ और वो आई, उसकी शादी हो चुकी थी। मुझे तो ये देखकर शॉक लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मैं पहले उसे प्रपोज नहीं कर पाया था। इंतज़ार कर रहा था एक सही समय का। क्या मैं उससे अपनी बात कहूं या नहीं, चुप ही रहूं? देवेंद्र जी, पहले तो आपने प्रपोज नहीं किया। आपको अपने दिल की बात बताने के लिए सही समय की ज़रूरत क्यों थी? समय तो सब सही होता है, उसको गलत या सही हम अपने काम के हिसाब से बनाते हैं। अब आपको अपनी मोहब्बत भूल जानी चाहिए, क्योंकि अब समय सही नहीं है। वो शादी कर चुकी है, उसे खुश रहने दो, आप भी खुश रहो। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahariya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।